हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमको लंबा फ्लोरिंग 200-300 मीटर अगर लगाने का है तो हम काठ कोना कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको दिखा देता हूं कि हमको कैसे काठ कोना बनाने का है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा देना, एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर दोस्तों हमारे को 200 मीटर लंबा फ्लोरिंग करना हो, देख सकते हैं आप दोस्तों कितना लंबा है, इधर भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये कितना लंबा है दोस्तों। अगर 200 मीटर हमको फ्लोरिंग करना हो, 200 से भी ज़्यादा है दोस्तों, तो हमको फ्लोरिंग करना कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करना है, काट कोना भागे ना, बिल्कुल लाइन में दिखे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो धारा मारे हैं सभी जगहों पे, ये आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि हम धारा मारे हैं, ये जो धारा मारे हैं दोस्तों, एक लंबा लाइन डोरी पकड़ लेंगे दोस्तों, ये हम कल फ्लोरिंग किए हैं दोस्तों, एक लंबा लाइन डोरी पकड़ लेंगे, उसके बाद दोस्तों उसको खींच के पकड़े रहेंगे, उसके बाद हम बीच बीच में धारा मारेंगे दोस्तों, दोनों तरफ से खींच के पकड़ के, पहले दोनों तरफ का बोलेंगे रखने के लिए कोई बेगाड़ी से या लेबर से, उसके बाद हम धारा मार लेंगे, धारा मारने के बाद दोस्तों उसके हिसाब से ही टाइल लगाएंगे, नहीं तो ये क्या होगा दोस्तों कि हमारा टाइल भागने लगता है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ सांदा में दोस्तों वो भागने लगता है, कितना लंबा है दोस्तों। तो हम ऐसे ही करेंगे तो हमारा फ्लोरिंग अच्छा रहेगा दोस्तों, काट कोना भागेगा नहीं और लाइन में भी रहेगा। ये हमारा दोस्तों डेडो लग रहा है, ये देखिए वही लाइन डोरी के ही हिसाब से लग रहा है, नीचे का 4 इंची का वो दिखा देता हूँ, 4 इंची का पट्टी है, उसके बाद दोस्तों 600x1200 का टाइल है, तो हम वैसा ही लगाएंगे जैसा हमको नियम बताता है वैसा ही लगाएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे लगाते हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए बाय, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों।